क्वालिफाई अंडर सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट। अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई थी ऑफिशियल स्टेटमेंट की तरफ से कि बैन है, नॉन ऑपरेशनल है, क्या चल रहा है, बट टॉक स्पोर्ट्स ने डाला है अभी। एज पर द न्यू रिपोर्ट्स द इंडियन गवर्नमेंट हैज बैन बीजीएमआई बाय इनवोकिंग सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट। टॉक स्पोर्ट्स जस्ट लास्ट इवनिंग हैड रिपोर्टेड दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ओवर पबजी मोबाइल एंड बीजीएमआई कंबाइंड कुड बी द रीजन ऑफ द रीसेंट बैन विद सो मिलियंस ऑफ गेमर्स डिसअपॉइंटेड। इन पिक्चर अश्विनी वैष्णव, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओह गॉड। सो अभी भी मैं बोलूंगा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बट टॉक स्पोर्ट्स इज अ वेरी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो दे मस्ट हैव नोन रियली रियली समथिंग, दे मस्ट हैव नोन समथिंग। अगर वो कह रहे हैं कि बैन हो गया है, मैं अभी भी वेट करूंगा ऑफिशियल स्टेटमेंट का, बट अगर वो कह रहे हैं तो दे कुड बी समथिंग बिहाइंड इट। और अभी सबसे जो बड़ा चीज़ है ना, यहाँ पे उन्होंने सीधा सीधा नहीं बताया, उन्होंने कुड बी लिखा, लाइक कुड बी कुड नॉट बी, दिस इज अ, बट है कुछ तो है, कुछ बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये गॉड लाइक सोल्स है, बहुत बड़ी चीज़ है जो बन गई है। Currently, we are investigating the exact situation regarding the suspension of downloads from the two major app stores in India. तो अभी भी क्लियर जवाब नहीं आया, जैसा कि आप सब सुन रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश करते रहेंगे, और जब तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आएगा तो बैंड, आई डोंट थिंक एक शब्द है जो मैं यूज करूंगा। घातक भाई का ट्वीट आया था, इट इज अ बिग डे टुमारो, ईस्पोर्ट्स इज ग्रोइंग डे बाय डे ऑन अ ग्लोबल एज वेल एज नेशनल लेवल, आई होप अवर गवर्नमेंट कैन रिकॉग्नाइज दिस एंड टेक अ गुड डिसीजन, वी डोंट वांट टू बी बिहाइंड अदर कंट्रीज, फॉल बिहाइंड अदर कंट्रीज, एंड ऑल्सो एनी इश्यूज कैन बी सॉल्व्ड।